वालेकुम दोस्तों आज हम सॉल्व कर रहे हैं एग्ज़ाम्पल एंड असाइनमेंट 5.2। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे एग्जाम्पल 5.2 को फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे असाइनमेंट 5.2 को एग्ज़ाम्पल 5.2 जो है इट इज़ अबाउट द मास ऑफ जुपिटर यानी इस एग्ज़ाम्पल में हम जुपिटर की मास को फाइंड आउट करेंगे तो इट सेज़ दैट जूपटर इज़ दी लार्जेस्ट प्लानट इन दोलर सिस्टम रेडियस ऑफ जूपिटर इज सेवन पॉइंट वन फाइव इंटू टें पावर सेवन मीटर द एक्सेलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एन जूपिटर इज ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन न्यूटन पर किलोग्राम कैलकुलेट दी मॉस ऑफ जूपटर ये कहता है कि ये जूपिटर जो है ये निज़ामी शमसी का सबसे बड़ा प्लान है इसका रेडियस सेवन पॉइंट वन फाइव टू पावर सेवन मीटर है अगर इस प्लान पे जी की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन की वैल्यू ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन न्यूटन पर किलोग्राम है तो जूपिटर की मास को फाइंड आउट करें तो उसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ ग्यन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है गिवन डेटा में हमें दिया गया है रेडियस ऑफ जुपिटर विच इज इक्वल टू सेवन पॉइंट वन फाइव इंटू टू पावर सेवन मीटर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट जुपिटर जो है इट इज़ इक्वल टू ट्वेंटी फोर पॉइंट सेवन न्यूटन पर किलोग्राम और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी जो है इट इज़ इक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंट पावर माइनस एलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर हमने फाइंड आउट करना है मास ऑफ जुपिटर दोस्तों मास ऑफ जुपिटर को फाइंड आउट करने के लिए हम वही क्वेश्चन यूज़ करते हैं जो हमने मास ऑफ अर्थ के लिए यूज़ की थी वो इक्वेशन थी कि मास ऑफ अर्थ इज़ इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन एट सरफेस ऑफ अर्थ एंड आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये इक्वेशन हमने मास ऑफ अर्थ के लिए यूज़ की थी इसी इक्वेशन के थ्रू हम मास ऑफ जुपिटर को फाइंड आउट कर सकते हैं तो इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं कि मास ऑफ जूपिटर इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन एट द सरफ़ेस ऑफ जूबिटर एंड रेडियस ऑफ जूपिटर डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इस इक्वेशन में हम वैल्यू स्पोर्ट करते हैं तो दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ जूबिटर इज इक्वल टू जी की वैल्यू हमारे पास आई 24.7 न्यूटन पर किलोग्राम और रेडियस ऑफ जुपिटर इज़ इक्वल टू 7.15 पॉइंट वन फाइव इंटू टेन अरेस्ट टू द पावर सेवन मीटर डिवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इट इज़ इक्वल टू 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन अरेस्ट टू पावर माइनस एलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर तो यहाँ पे स्क्वायर भी है तो मैं यहाँ पे स्क्वायर लेता हूँ तो इसी क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ कि मास ऑफ जोपिटर इज़ इक्वल टू तो ट्वेंटी फोर मल्टीप्लाइड बाई फाइव पॉइंट वन इंटू टेन टू दी पावर फिफ्टीन यहाँ पे इस ब्रैकेट में जो है इसका अगर हम स्क्वायर ले लें तो हमारे पास ये आ जाएगा तो इट इज़ डिवाइडेड बाय 6.67 पॉइंट सिक्स सेवन पावर माइनस एलेवन इसको जब हम आपस में डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1.89 पॉइंट एट नाइन टू द पावर 27 सेवन के जी तो ये हमारे पास मास ऑफ जुपिटर आ गया

एंड हैव एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इट्स सरफेस एज वन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कैलकुलेट दी मास ऑफ मोन तो मास ऑफ मोन को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले मैं लिखता हूँ गीवन डेटा और हमसे जो रिक्वायर्ड है गिवन डेटा में हमें दिया गया है रेडियस ऑफ मोन विच इज इक्वल टू वन पॉइंट सेवन फोर इन टू टेंिक्स मीटर और वेल्यू ऑफ जी आन इज इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये इक्वल है वन पॉइंट सिक्स न्यूटन पर किलोग्राम के और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है इट इज़ इक्वल टू सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंट टू पावर माइनस इलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर तो हमने मास ऑफ मोन को फाइंड आउट करना है तो इसके लिए भी हम वही इक्वेशन यूज़ करते हैं कि मास ऑफ मून यानी एम एम इज इक्वल टू जी ग्रेविटेशनल एक्सलरेशन एट द सर्फेस ऑफ मोन इंटू रेडियस ऑफ मोन का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हमारे पास जी आ जाएगा तो इसमें हम वैल्यू स्पोर्ट करेंगे तो मास ऑफ मोन इज़ इक्वल टू 1.6 न्यूटन पर किलोग्राम और रेडियस ऑफ अर्थ जो है इट इज़ इक्ल टू वन पॉइंट सेवन फोर इंटू टेन रेस टू दावर सिक्स का स्क्वायर हो जाएगा और नीचे हमारे पास है जी विच इज़ इक्वल टू तो सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन रेस्ट रेस्टू पावर माइनस एलेवन न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर तो इसको मैं लिखता हूँ कि मास ऑफ मून जो है इट इज़ इक्वल टू तो वन पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाइड भाई वन पॉइंट सेवन फोर का जब हम स्क्वा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा थ्री पॉइंट ज़ीरो टू और टेंस टू पावर सिक्स का जब हम स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा टेन एस टू दावर ट्वेल्व और नीचे हमारे पास जो वैल्यू है वो इक्वल है सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन एस टू पावर माइनस एलेवन अब मैं क्या करता हूँ कि वन पॉइंट सिक्स और थ्री पॉइंट ज़ीरो टू को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ तो वी विल गेट मास ऑफ मून विल बी एक्ल टू फोर पॉइंट एट फोर और साथ में टेन टू पावर ट्वेल्व भी लिखता हूँ तो दिस विल बिकम लाइक दिस वन और नीचे हमारे पास आ जाएगा सिक्स पॉइंट सिक्स सेवन इंटू टेन टू पावर माइनस एलेवन अब मैं क्या करता हूँ कि ये टेन एस टू पावर माइनस एलेवन जो है ये ऊपर लेके जाता हूँ तो दिस विल बिकम इक्वल टू एम एम इज़ इक्वल टू सिक्स पॉइंट एट फोर डिवाइडेड बाई 6.67 और ऊपर हमारे पास आ जाएगा टेन एस टू पावर टवेल्फ एंड टेन एज टू पावर एलेवन ये माइनस एलेवन जो है इट विल बिकम इक्वल टू प्लस एलेवन तो मैं क्या करता हूँ कि इसको आपस में डिवाइड करता हूँ और यहाँ पे ये पावर जो है ये आपस में एड हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा मास ऑफ मून जो है दिस विल बिकम इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट सेवन टू फाइफ इंटू टेन रेस्ट टू पावर ट्वेल्व प्लस एलेवन तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा एम एम इज़ इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट सेवन टू फाइफ इंटू टेन टू दावर ट्वेंटी थ्री तो यहाँ पे के भी आ जाएगा थ्रॉ जो है हमारे पास सारे यूनिट्स कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास यहाँ पे भी के जी यहाँ पर भी के जी और यहाँ पे भी के जी आ जाएगा तो मास ऑफ़ मोन जो है इट इज़ इक्वल टू जीरो तो पॉइंट सेवन टू फाइव इंटू टेंस टू तो पावर ट्वेंटी थ्री के जी या इसको हम लिखते हैं कि मास ऑफ मोन जो है इट इज़ इक्वल टू सेवन पॉइंट थ्री इंटू टेन टू पावर ट्वेंटी टू किलोग्राम तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है तो दिस इज समथिंग अबाउट द एग्जांपल एंड असाइनमेंट 5.2। थैंक यू